जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। दोस्तों रिसेंटली देश में 8वीं वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के बीच की जा चुकी है, क्योंकि बारी बारी से हर एक महीने में एक ना एक डेस्टिनेशन के बीच वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जा रही है, जिसके बाद लोगों के मन में वंदे भारत के लिए नए महीने के आने का बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि शायद इस बार उनके राज्य को वंदे भारत मिल जाएगी। स्पेशली राजस्थान और मध्य प्रदेश के लोगों को, क्योंकि देश के पहले दूसरे बड़े राज्य होने के बावजूद भी इनकी राजधानियों जयपुर या भोपाल से अभी तक कोई वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू नहीं की गई, जबकि यहां अच्छा खासा इलेक्ट्रिफाइड रेल नेटवर्क है। दोनों स्टेट में इसी साल चुनाव भी होने हैं। हाँ, लेकिन राजस्थान का मामला तो फिर भी ठीक है, क्योंकि मार्च में यहां वंदे भारत चलने की पूरी संभावना है, क्योंकि राजस्थान के 5 शहर जोधपुर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर और श्री गंगानगर में 1,000 करोड़ रुपए खर्च करके वंदे भारत के मेंटेनेंस के लिए डिपो तैयार किए जा रहे हैं। दोस्तों पिछले महीने एमपी में वंदे भारत एक्सप्रेस के चलने की खबरों ने जोर पकड़ा था, जो अब ठंडा पड़ गया है और रेल अधिकारियों ने भी इसे पेंडिंग होना बताया था। लेकिन इंदौर और जबलपुर को मिलने वाली वंदे भारत बीच में ही पंचर होती नज़र आ रही है। हो नहीं भी थी, क्योंकि एक साथ एक स्टेट के लिए वंदे भारत ट्रेन के 2 रैक मिलने मुश्किल थे। खैर, इस पर भी हम नज़रें बनाए हुए हैं। अगर भोपाल, जबलपुर, इंदौर, खजुराहो को मिलने वाली वंदे भारत की कोई भी अपडेट आती है तो आई श्योर सबसे पहले और ऑथेंटिक वीडियो आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे। दोस्तों एक वायरल न्यूज़ के मुताबिक 9वीं वंदे भारत के रैक ICF चेन्नई से डिस्पैच कर दिए गए हैं। ये देख सकते हैं 25 जनवरी को ICF की पेरम्बदूर मैन्युफैक्चरिंग हब से 16 कोच निकाले गए हैं। हम इसको सही मानकर इसलिए चल रहे हैं क्योंकि अब तक जितनी भी वंदे भारत ट्रेनें शुरू हुई हैं उनके डिस्पैचेस की जानकारी ऐसे ही ICF द्वारा दी जाती रही है। रेलवे मिनिस्ट्री का फोकस सबसे पहले धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाले रूटों पर देश की सेमी हाई स्पीड ट्रेन को चलाने पर है। रेल मंत्रालय जल्द ही पुरी भुवनेश्वर हावड़ा के बीच देश की 9वीं वंदे भारत को ग्रीन सिग्नल दे सकता है, जिससे जगन्नाथपुरी, कोणार्क मंदिर और उड़ीसा के समुद्री और आसपास घूमने वाले इलाकों में यात्रियों को सुविधा हो सकेगी। इसका ट्रायल भी जल्द शुरू होने वाला है। अगर ये ट्रेन पुरी से हावड़ा के बीच शुरू होती है तो यह पश्चिम बंगाल की दूसरी और उड़ीसा की पहली वंदे भारत होगी।